आज विकासखंड मुरादाबाद में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 39 कन्याओं का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह कराया गया तथा 14 कन्याओं का मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कराया गया। इस अवसर पर भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, माननीय सांसद प्रभारी मुरादाबाद रितेश गुप्ता, विधायक मुरादाबाद नगर ब्लॉक प्रमुख मनीष कुमार सिंह, जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, उप निर्देशक समाज कल्याण एस के राय, खंड विकास अधिकारी मुरादाबाद सूर्य प्रकाश, ADO पंचायत आमोद कुमार शर्मा एवं समस्त कार्यालय स्टाफ मौजूद रहा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 35,000 धनराशि लड़की के खाते में भेजी जाती है, 10,000 का सामान दिया जाता है जिसमें बर्तन, कपड़े, पायल, बिछिया आदि दिया जाता है। शेष 6,000 की धनराशि में खाना, टेंट, पंडित, मौलवी आदि की व्यवस्था की जाती है। सर, किस कार्यक्रम में चले आज? देखिए, आज जो मुरादाबाद आया है, वैसे जैसे हर बार आता हूँ, बहुत सारे विकास के काम के लिए आता हूँ। सरकारी निजाम से जो कार्यक्रम चलता है उसमें भाग लेने आता हूँ। उसी कड़ी में आज कुछ प्रोग्राम थे, जैसे आज यहाँ पर जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सोच थी उसको जाकर देखते हुए अच्छा लग रहा है। जैसे सारे दंपतियों को एक साथ जिनका जो सामूहिक तौर से विवाह हुआ है, DM साहब भी साथ में है, सब उसकी सोच है यहाँ पर कि उन्होंने बड़े अच्छे से अंजाम दिया है। बनी जी है, राकेश जी है, जिन लोगों ने सबने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम को। यहाँ पर 50 ऐसे जो जोड़ी है जिसको आज जिसकी शादी है, उसमें कुछ सभी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के, हिंदू समाज के और सिख समाज के, सभी समाज के लोग हैं। ये अच्छा लगता है कि गुलदस्ते की तरह सबकी शादी हो रही है और खिलता चेहरा देख के अच्छा लगता है कि हमारी सरकार की सोच है, आदरणीय मुख्यमंत्री की सोच है, जो सिर्फ शादी नहीं कराते बल्कि साथ में बहुत सारे जेवर जेवरात भी देते हैं, तोहफे तहाय भी देते हैं। और ये देख के अच्छा लगता है कि और मैं उनकी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और यहाँ पे जितने भी खड़े लोगों की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताने भी चाहता हूँ कि 50 जो आज यहाँ पर ऐसी जोड़ी है जो बहुत खुशगवार माहौल में शादी हो रही है, उनको हम उनके शुभकामनाएँ देना चाहते हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि जो ऐसे लोग सामूहिक विवाह में भाग लेना चाहते हैं, कुछ अपोजिशन पार्टी इस तरह जो है बराबर विरोध करते रहते हैं, लेकिन आज जब ये बहुत सफल प्रोग्राम होते हुए दिख रहा है, हर जगह ऐसे शादियाँ हो रही हैं और खासकर मुरादाबाद में मनीष जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हर बार इन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया, यहाँ के DM साहब उसके हकदार हैं, इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बार बार ऑर्गेनाइज किया जिसके तहत यह नंबर 4 पे है पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ इस तरह से सामूहिक लेवल पर इतने बड़े लेवल पर शादियाँ होती हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है और इससे समाज में जो एक जो 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 कमियाँ जो थी वो पूरी हुई है और जो जो अपोजिशन जो इसको क्रिटिसाइज कर रहा था उनके कहीं ना कहीं मुँह पे जो है सिलाई लग गई है इस तरह के कार्यक्रम करने से, इसलिए समाज का भला हो रहा है।